प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इससे जस्ट पहले मेरी दिल्ली पुलिस की क्लास होती है, तो थोड़ा सा बीच में समय लगता है, उस क्लास को क्विट करना पड़ता है, फिर इस क्लास को ठीक है आना पड़ता है, स्ट्रीम करना पड़ता है, तो ठीक है उस दौरान काफी टाइम लग जाता है। बाकी का उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों चलिए एक बार आप क्या करो बेटा, लाइक कर दो और शेयर कर दो, एक बार अपने सभी साथियों को जोड़ लो। ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जोड़ लो एक बार सभी लोगों को। सुमित कुमार, अंजलि, नितिन सरकार लाडला है, विपिन कुमार यादव है, बुद्ध विलास गुप्ता जी हैं, मोहन मौर्य हैं, एक ही गोल्ड सिंगर है जी, कोई छूटा तो नहीं, बहुत अच्छे। देखो एक एक गोल्ड सिंगर ने कितनी अच्छी बात कही, सभी दोस्तों को बुला लो, कोई छूटा तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मानसी पांडे है, आदित्य राणा है, आदित्य राणा प्रिया से बात कर रहे हैं कि क्या हुआ प्रिया, आदित्य राणा ठीक है बेटा। राज है, शुभम कुमार है, रंजीत कुमार है, मोहन मौर्य है, लक्ष्मीकांत है, काजल गोस्वामी है, और सिमी चौधरी है, मिस्टर गौतम है, शुभम कुमार है, सुमित कुमार है, अक्षय नागर है, लाडू है, बिक्की है, अजय नागर है, कुकी है, रंजीत कुमार है, मिस्टर गौतम, लक्ष्मीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानसी, मिस्टर ग्लास, अक्षय नागर, सभी का स्वागत है बेटा। आप एक बार सब लोग आ जाओ और शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। हमेशा की तरह खूबसूरत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना, और उसी पैटर्न पे जिस तरह के आपके एमटीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी होते हैं कुछ, इसमें बच्चे हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी होते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस का मिक्सअप होता है, ठीक है। और ये हम आपके सामने बच्चों सीरीज लेकर आते हैं 12 बजे, जैसा कि आपको पता ही है और आप सब लोग उससे जुड़ते हुए हैं। बिल्कुल आगे चलिए सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है जरा पहले क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में माना नहीं जाता, स्थिर पूंजी के रूप में माना नहीं जाता। स्थिर पूंजी का मतलब होता है बच्चों कि देखिए ठीक है, आप देखिए एक बार उसमें निवेश करें, आप एक बार उसमें निवेश करें ठीक है। जैसे कि बच्चे आपने कोई भी मशीन खरीदी तो आपने उसमें एक बार निवेश किया और फिर बच्चों कई सालों तक आप उससे लाभ कमाते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी का मतलब है कि एक बार निवेश करके आपने वह चीज खरीद ली, वह वस्तु खरीद ली, और उसके बाद आप लगातार बस उससे क्या कर रहे हैं, आय का सृजन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं बच्चे उपकरण या औजार, जैसे कि मैं कृषि यंत्रों की बात करूं, जैसे आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया, एक बार आपने रोटावेटर खरीद लिया, एक बार बेचा आपने थ्रेसर खरीद लिया, तो अगर आपने एक बार खरीद लिया तो एक बार खरीदने के बाद फिर बच्चे जो है ना आप ठीक है बार बार क्या करते हैं ठीक है उससे लाभ कमाते रहते हैं ठीक है। जैसे कि मशीन है, तो मशीनें भी बच्चे आपके क्या है, स्थिर पूंजी है। इमारत भी आपकी क्या, स्थिर पूंजी है। जैसे एक बार आपने कोई बिल्डिंग बना दी, उसे किराए पे उठा दिया और फिर बच्चे आप उससे हर महीना रेंट उठाते रहोगे, लेकिन इनमें से कौन एक स्थिर पूंजी नहीं है, तो बच्चे जो आपकी मुद्रा है मनी ठीक है, मनी मनी आपकी स्थिर पूंजी नहीं है ठीक है, मनी आपकी स्थिर पूंजी नहीं है बच्चों, मुद्रा नहीं है। जी ठीक है, आप मतलब समझे ना। देखो इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक स्थिर पूंजी नहीं है, तो स्थिर पूंजी का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक बार निवेश करें, एक बार इन्वेस्टमेंट करें, एक बार निवेश करें बच्चों आप उसमें, और एक बार निवेश करके बच्चों आप क्या करें, किसी स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करें, किसी स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करें, स्थायी परिसंपत्ति। अब स्थायी परिसंपत्ति में जैसे बच्चे आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने रोटावेटर खरीद लिया, आपने कल्टीवेटर खरीद लिया, आपने थ्रेसर खरीद लिया, एक बार आपने खरीद लिया बच्चे, और फिर बार बार बच्चों आप क्या करते हैं, जैसे गांव के अगर आप रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कई लोगों के ट्रैक्टर थ्रेसर वगैरह ये सब रेंट पे जाते हैं। जैसे किसी का गेहूं निकलना है तो पर घंटे के हिसाब से रेंट पे चलता है बच्चे, तो उसने एक बार खरीद लिया, अब वो बच्चे उससे क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है उससे, वह इनकम जनरेट कर रहा है बच्चों ठीक है।
ऐसे ही मशीन है, तो जैसे आपने एक बार मशीन लगा ली अपने किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में, तो एक बार मशीन लगाने के बाद फिर बच्चों आप उससे हर महीने इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन मुद्रा जो है वो आपकी बच्चे स्थायी पूंजी नहीं है, लेकिन इमारत भी है। जैसे आप देखते होंगे कि कई लोगों ने अपने घर रेंट पे उठा रखे हैं, तो उन्होंने एक बार अपना घर ठीक है बनाया, रेंट पे दे दिया, अब हर महीने उससे उनको आय की प्राप्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? बेटा प्रचंड बेरोजगारी, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, या हम इसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी हम इसको कहते हैं बच्चे, प्रचंड बेरोजगारी। अब ये अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि बच्चे दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है जैसे कि सभी लोग रोजगार में हैं, मतलब सभी लोग मिलकर उत्पादन कर रहे हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि सभी लोग उत्पादन में हैं, लेकिन अगर उनमें से बच्चे कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो होने वाले उत्पादन पे किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे लोग बच्चे उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं, सभी लोग मिलकर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ लोगों को हटा दो तो बच्चे किसी भी प्रकार का, जैसे आपने गांव में देखा होगा, गांव में पूरा एक कुनबा जो है वो बच्चों खेत को बोता है या खेत को काटता है, लेकिन अगर आप उसमें से दो तीन लोगों को हटा भी दो ना तो होने वाले उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो हटे हुए लोग हैं वो वास्तव में उनकी स्थिति बेरोजगारी की स्थिति है। कैसी है बेटा? बेरोजगारी। तो वे कैसी बेरोजगारी है बच्चों? प्रचंड बेरोजगारी। तो एक ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी जो गांव में पाई जाती है बेटा जी, ये ग्राम गांव में पाई जाती है। बहुत अच्छे, ये बेरोजगारी कहां पे? गांव में। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार शेयर कर दो पूरे मन से, ठीक है, ये संख्या थोड़ी अच्छी नहीं लगती, बहुत कम संख्या है, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लो, सभी को अपने साथ जोड़ लो। समझ नहीं आया? समझ बेटा, देखो प्रचंड का मतलब होता है कि छिपी हुई, ठीक है, जैसे आपको ऐसा लगे कि भाई देखिए, जैसे आप किसी खेत को, जब आपने किसी खेत को काटते हुए लोगों को देखा होगा तो आपको लगता होगा कि जैसे ये सारे लोग रोजगार की स्थिति में है, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ ठीक है कि क्षणिक रोजगार उनको मिल रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से एक दो लोगों को हटा भी दो तो होने वाले उत्पादन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग हटाए गए हैं वास्तव में उनकी स्थिति बेरोजगारी वाली स्थिति है। वो बात अलग है कि वो रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके होने या ना होने से उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके होने या ना होने से। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वे कौन थे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन साहब। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो बेटा भारत के राष्ट्रपति की पद एवं गोपनीयता की शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पद एवं गोपनीयता। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि बच्चे किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किया गया है? ठीक है, किस आर्टिकल में किया गया है? आप जल्दी से फटाफट से बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति महोदय को दी जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बताओ। ठीक है बच्चों, किसमें किया गया है? राष्ट्रपति को, जी राष्ट्रपति को जो पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जाती है, तो राष्ट्रपति को दी जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख ये किस आर्टिकल में है? मैं बस आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूं,
कि भैया वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को दी जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आपसे मैं इतना पूछ रहा हूं, आप मुझे पहले इसका जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट से बच्चों इसका जवाब देंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे ये बताएंगे कि बेटा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। जी बच्चे बिल्कुल सही बोला आपने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति, मान लीजिए बच्चे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चे कौन दिलाएगा उनको शपथ, बताइए। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में बच्चे, ठीक है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, कौन होंगे बच्चे? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो बच्चे वहां पर शपथ दिलाएंगे। कौन बेटा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वे वरिष्ठतम न्यायाधीश बच्चों शपथ दिलाते हैं, किसको? राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। जी ये बात क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को? जी चलिए, इसके बाद, हाँ इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है वह किस आर्टिकल में है, तो बच्चों आपने बोला नहीं था आर्टिकल 60। कई लोग आर्टिकल 69 बोल रहे थे, किस बिहाब पे बोल रहे थे आर्टिकल 69, मैं तो बात समझ में नहीं आ रही। तो बच्चे किस में है? आर्टिकल 60 में है। ठीक है, आर्टिकल 63 से तो आपके उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाते हैं, 63 से। तो आर्टिकल 60 में बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ का उल्लेख है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? आपको बताना है कि बच्चों इनमें से कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित था, कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए, बताओ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान है जो रावी नदी के, तो बच्चे लोथल जो है ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, चनगुदड़ो जो है बच्चे ये भी सिंधु नदी के किनारे है चनगुदड़ो, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। पूछा कौन सी नदी है? रावी। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों हड़प्पा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। अगला, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया? तो बच्चे देखो, ठीक है, चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो 1767 से 69 हुआ है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वह 1780 से 1784 हुआ है। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो 1790 से 92 हुआ है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर हुआ है, जो चौथा हुआ है वह 1799 में हुआ है। तो बेटा पांच तो हुए ही नहीं, केवल चार हुए, चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, मैंने लिख दिया। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है बच्चे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर की संधि से रुका है, सॉरी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से बच्चे युद्ध विराम हुआ है। किसकी संधि से? मद्रास की संधि से। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से युद्ध विराम हुआ 1769 में। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वह बच्चे आपकी, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जी, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है बच्चे वह पांडिचेरी की संधि से रुका है, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि 1784। ठीक है, तीसरा जो है बच्चे वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से बच्चों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो बच्चे आपका गवर्नर जनरल था वो आपका, ठीक है, वेरलेस्ट, कौन था बेटा? वेरलेस्ट गवर्नर जनरल था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तीसरे के समय आपका जो बच्चे था वो कार्नवालिस था, और चौथे के समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो आपका वेलिजली था, कौन था वो? वेलिजली था। अब आप ये बात समझ लीजिए, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलिजली गवर्नर जनरल था। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1767 से 69 में रहा है बच्चों, ठीक है, ये मद्रास की संधि से हुआ है,
है, मतलब मद्रास की संधि से युद्ध विराम हुआ है। लेकिन यह युद्ध जो है बच्चों, यह युद्ध बेसिकली टीपू हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ है, हैदर अली अंग्रेजों के मध्य। तो इस युद्ध में बच्चों हैदर अली थे, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ है। जो दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1780 से 84 हुआ है, जो पांडिचेरी की संधि से रुका है 1784 में बच्चे, इस समय गवर्नर जनरल बारिन हेस्टिंग है। इस युद्ध में भी हैदर अली था, हालांकि पोर्टो डोवो की लड़ाई में वो ब्रिटिश सेनापति बच्चों आयरकूट के हाथों पराजित हुआ था हैदर, लेकिन हैदर की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई और आयरकूट की भी मृत्यु हो गई थी, आयरकूट भी मर गया था इस युद्ध में। लेकिन बच्चे तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध जो है तीसरा, ठीक है, वो अंग्रेज और टीपू के बीच में, वो अंग्रेज में भी बच्चों पहले मैथ्यूज था, मैथ्यूज को बंदी बना लिया था, उसके बाद फिर बच्चे ठीक है आपका कार्नवालिस, तो कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ है तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध, कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से रुका है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक भूदृश्य है जो बहते हुए जल से संबंधित नहीं है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। Which one of the following is not a landscape formed by a running water or a river? Which one of the following is not a landscape formed by running water or a river? इनमें से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता? तो देखो बेटा, V आकार की घाटी नदी से निर्मित होती है। जो नदी V आकार की घाटी बच्चे इस तरह से बनती है, इस तरह से V आकार की घाटी, इस V आकार की घाटी का जब आकार थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको गॉर्ज कहते हैं, जब इसका आकार और बड़ा हो जाता है तो इसको कैनियन कहते हैं, कैनियन, जैसे कि द ग्रैंड कैनियन, इसका उदाहरण है द ग्रैंड कैनियन। और द ग्रैंड कैनियन बच्चों कहां पर है, तो द ग्रैंड कैनियन जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका है कोलोरेडो नदी पर। कौन सी नदी पर, कोलोरेडो नदी पर आपका द ग्रैंड कैनियन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी नदी पर, कोलोरेडो नदी पर है, वी आकार की घाटी, ठीक है, वी आकार की घाटी, ठीक है। जब नदी बच्चे भावर प्रदेश में प्रवाहित होती है, मतलब जब नदी किसी पर्वत विशेष से निकलती है और निकलने के बाद प्रवाहित होती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। नदी विसर्ग का मतलब है बच्चे इस तरह से, इस तरह से। तो बेसिकली नदी विसर्ग का जो निर्माण होता है वह प्लेन्स पर होता है, समतल पर होता है, कहां पर होता है, समतल पर, समतल पर नदी विसर्ग का निर्माण होता है। अच्छा, हिमोड जो है मेरे प्यारे बच्चे, हिमोड, ठीक है, ध्यान रखना, हिमोड का निर्माण जो होता है बच्चे वो ग्लेशियर से होता है, किससे होता है, हिमानी से होता है, ग्लेशियर से होता है, हिमोड का निर्माण ग्लेशियर से होता है, ध्यान रखना, हिमोड का मैदान ग्लेशियर से होता है। गड्ढा, ठीक है, बेसिकली ये आपकी नदी के द्वारा निर्मित है, गड्ढा नदी द्वारा निर्मित है, लेकिन बच्चे हिमोड नहीं है, हिमोड नहीं है, ठीक है, हिमोड नहीं है। नदी द्वारा निर्मित क्या है बच्चे, जलोढ़ पंख, नदी द्वारा निर्मित क्या है, हिमोड नहीं बल्कि जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, ये नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। गड्ढा, बेसिकली इसको गड्ढे को हम गोकुर झील कहते हैं, क्या कहते हैं, गोकुर झील, ये भी नदी के द्वारा निर्मित है, गोकुर झील, ठीक है। ऑक्सवो लेक, गोकुर झील, ये नदी के द्वारा निर्मित है जी। अरे बेटा, मैंने बोल तो दिया कि इधर इंग्लिश और इधर हिंदी, लेकिन क्या करूं, मैं कल से थोड़ा तेज बोलूंगा, ठीक है, उनको डांट के बोलूंगा कि भाई ऐसा क्यों करते हो। भारत में ताजा जल का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, आप बताएंगे, भारत में ताजा जल का बेटा सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, मतलब आप जो ताजा पानी पीते हैं, ताजा पानी का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, आप जिसे पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, आप बताइए, आप सब लोग जो ड्रिंकिंग वाटर बच्चों जो पीने का पानी प्रयोग करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, तो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, क्या आप बच्चों पीने का पानी लेने के लिए किसी वाटरफॉल जाते हो, क्या आप किसी वाटरफॉल से पीने का पानी प्राप्त करते हो, बोलो बेटा, क्या आप किसी वाटरफॉल से करते हो, या आप किसी टैंक के पास जाते हो वहां से करते हो, या आप बच्चे, ठीक है, ओशनिक वाटर, तो ओशनिक वाटर तो वैसे भी खारा होता है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ये क्या है, ग्राउंड वाटर है, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, हम सब लोग बेटा ग्राउंड वाटर से ही पानी पी रहे हैं, ठीक है, बोर करते हैं पानी निकालते हैं, ठीक है, और अगर पानी में अशुद्धियां ज्यादा है, गांव में तो बेसिकली वही बोर का पानी चल रहा है, लेकिन शहरों में अगर हम बात करें तो बच्चे, ठीक है, शहरों का पानी ज्यादा प्रदूषित होता है क्योंकि सीवरेज वगैरह होते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, आरओ वगैरह लगवा लेते हैं घर में और उस ग्राउंड वाटर को, ठीक है, प्योरीफाई करके पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से
कहां से शुरू हो जाता है? तो बच्चे अगर हम बात करें मानव शरीर में भोजन का पाचन, देखिए बच्चे, तो अगर मानव शरीर में हम भोजन के पाचन की बात करें तो बच्चे पाचन बेसिकली मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से बच्चे? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए सबसे पहले मुख से पाचन स्टार्ट होता है और मुख से लेके मेरे प्यारे बच्चे आपका, ठीक है, बड़ी आंत तक ये चलता है, बड़ी आंत तक ये चलता है। बड़ी आंत जो होती है बच्चे, ये अंत में भोजन से, ठीक है, जो जल और मिनरल्स होती हैं इनको अब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल्स को बड़ी आंत अब्जॉर्ब करती है। और जो बच्चे आपकी छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत बेसिकली आपका, ठीक है ना, प्रोटीन को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसे एमिनो एसिड्स में तोड़ती है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, बेसिकली सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ती है, और फैट को जो है वो फैटी एसिड में तोड़ती है छोटी आंत। बेसिकली स्टार्ट तो मुख से ही हो जाता है, क्योंकि मुख में भी बच्चे आपके, ठीक है, आपको पता है लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चे, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब लार ग्रंथियां, तो इसमें बच्चे आपकी एक तो, ठीक है, टॉयलिन, ठीक है, और दूसरी बच्चे अमाइलेज, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों, पाचन मुख से ही हो जाता है। जी अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? बताइए इनमें से कौन सा एक है बच्चे जो कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है पौधों में? कौन सा है बच्चों, आपको बताएं, पेरेन्काइमा है या फिर आपका स्केलेरल काइमा है, आपका जाइलम है, या फिर आपका टॉप सेपरेटर है? बताइए आपका कौन है बच्चों जो पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? कौन है? तो बच्चे जो पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है वो टॉप सेपरेटर, इसको हम सीड्स विभाजक कहते हैं। क्या? सीड्स विभाजक। ये अधिकांश बच्चों का गलत होगा जी बच्चे, लेकिन ध्यान रखना सीड्स विभाजक है, सीड्स विभाजक, टॉप सेपरेटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? अब बताइए इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है? जेलीफिश, स्टारफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश, इनमें से कौन सी एक है जो वास्तविक मछली है? जल्दी से सब लोग इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है। चलिए ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना इसमें बच्चे जो डॉग फिश है, क्या जो डॉग फिश है वही एक्चुअल फिश है, बाकी की ये सब फर्जी है। जेली फिश, स्टार फिश या सिल्वर फिश, ये सब, ठीक है, फिश नहीं है, केवल डॉग फिश ही एक आपकी फिश है बच्चों। जब कोई कार, ठीक है, विराम से, मतलब जब कोई कार रुकी हुई है और अचानक से चल देती है, रुकी हुई कार अचानक से चल देती है, तो बच्चे जो उसमें बैठा हुआ यात्री है वो पीछे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, कार आगे की तरफ चल रही है और यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है, कार आगे की तरफ, यात्री पीछे की तरफ, इसका मतलब है। तो बच्चे ये न्यूटन के किस, ठीक है, घटना का या किस गति के नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के बच्चे गति के तीन नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्सिया है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वह क्या है बच्चे? लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है, ये उसी पर डिपेंड है या बेस्ड है, जड़त के नियम पर। जड़त का नियम कहता है कि यदि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहना चाहती है, और चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है, ठीक है, कब तक? जब तक कर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो किसी भी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, तो वह अपनी गति की अवस्था में ही रहेगी, और अगर वह विराम में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। अगर वह विराम की अवस्था में है तो बाह्य बल लगाकर आप उसको गति की अवस्था में ला सकते हैं, और अगर गति की अवस्था में है तो बाह्य बल लगाकर आप उसको विराम की अवस्था में ला सकते हैं। ऐसे ही जो यात्री है, जो बैठा हुआ है, कार के अचानक से चल देने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह रुका हुआ है, लेकिन कार चल रही है, तो वह अपनी इस
ठीक अवस्था में, वो विराम से गति की अवस्था में आने का विरोध कर रहा है, इसलिए कार जब आगे की तरफ जाती है तो वह पीछे की तरफ हो जाता है। ठीक है, मतलब ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। दूसरा नियम जो है बच्चे न्यूटन का, वह आपका, ठीक है बच्चों, दूसरा नियम जो है वह आपका सम्यक परिवर्तन के नियम पर निर्भर है, वह सम्यक परिवर्तन के नियम पर डिपेंड करता है, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है आपको बताया एक्शन रिएक्शन का है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे जो पहले नियम के जो और सारे उदाहरण हैं, तो पहले नियम के और सारे उदाहरण में जैसे आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए बच्चे आप एक, ठीक है, पेड़ पर फल लगा हुआ है और फल लगे हुए पेड़ को अगर आप हिलाते हैं तो बच्चे उससे पेड़ टूट, उससे उस फल, उस पेड़ से वह फल टूट जाता है। ठीक है, तो किसी भी पेड़ पर कोई फल लगा हुआ है, जैसे आप आम, ठीक है, आम के पेड़ पर आम लगे हुए हैं, तो आप जब आम के पेड़ को हिला रहे हैं तो फल टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फल जो है बच्चे विराम की अवस्था में है, फल विराम की अवस्था में, और आपने बल लगाया, तो आपने बल लगाया जब बच्चे, तो आपने पेड़ को विराम से गति की अवस्था में कर दिया, और जब आपने पेड़ को विराम से गति की अवस्था में कर दिया तो फल ने अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया। ठीक है, अगर वह, ठीक है बच्चे, वह भी गति की अवस्था में आ जाता तो फल कभी नहीं टूट पाता, फल ने, ठीक है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया, और इसलिए बच्चे वो विराम में ही रहना चाहता था, लेकिन आप बार बार पेड़ को हिला रहे थे इसलिए वह टूट के गिर गया। ऐसे ही जब चलती हुई ट्रेन से या बस से कोई व्यक्ति कूदता है तो वह मुंह के बल गिर जाता है, इसका भी रीजन यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट के द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड बाई अ मूविंग मोटर बोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी एक तरंग है जो बच्चे जल की सतह पर गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न एक तरंग का उदाहरण है? कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? कौन सी तरंग है यह आपको बताना है बच्चे, कौन सी तरंग है? ठीक है, तो बच्चे वो दो तरंग है, एक तो आपकी, ठीक है, अनुदैर्ध्य, और दूसरी बच्चे आड़ी। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है बच्चों जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है, और ये जो आड़ी है इसका मतलब है बच्चे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगें उत्पन्न होती हैं जल में उस समय। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, मोटर बोट, तो बच्चे मोटर बोट जो है गतिशील मोटर बोट, तो गतिशील मोटर बोट ऑब्वियस ही बात है बच्चे, ठीक है, उससे ध्वनि तरंगें भी निकलती हैं, गतिशील मोटर बोट से तो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगें भी उत्पन्न होती हैं, और उस मोटर बोट के घर्षण से बच्चों पानी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो दोनों ही तरंगें उससे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और, ठीक है, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, और बच्चे जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब हो गया आपका बेसिकली, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स या ओरिजेंटल वेव। अगला, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जा सकता है? आप बताइए, वीडियो कैसे हिल सकती है भाई, इसका जवाब दो, सब लोग दो बेटा, कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी के द्वारा आप छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं? किस कंप्यूटर कुंजी के द्वारा आप छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं, बताइए भाई। ठीक है, तो भाई वो कौन है, वह कैप्स लॉक है बेटा, कौन है, कैप्स लॉक, सब जानते हैं कैप्स लॉक से। अगला क्वेश्चन, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की? ठीक है, तो आपको पता है बच्चों चैडविक ने न्यूट्रॉन की 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और ठीक है न्यूटन ने, ऑब्वियस सी बात है बच्चे न्यूटन ने बहुत सारी खोजें की हैं। ठीक है, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंगों का, ठीक है, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया है, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। ठीक है, और बाकी का रदरफोर्ड ने बेटा हालांकि प्रोटॉन की खोज नहीं की, प्रोटॉन का नामकरण किया, प्रोटॉन का नामकरण किया बच्चों रदरफोर्ड ने। ठीक है, बेसिकली प्रोटॉन की खोज जो है वह रदरफोर्ड से कहीं पहले बच्चे गोल्डस्टीन ने कर दी थी, गोल्डस्टीन ने कर दी थी, और गोल्डस्टीन ने इसको बच्चे
केनाल रे नाम दिया था। क्या नाम? केनाल रे। लेकिन उसको बच्चे प्रोटॉन नाम देने का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। प्रोटॉन नाम देने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? आपको बताना है कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े में जो रखा हुआ पानी है वह किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? बताइए कौन सी घटना है बच्चों? तो देखो देखो आप देखो ये घड़ा है, ठीक है बच्चों, देखो ये घड़ा है, ये घड़ा है। इस घड़े में क्या है बच्चे? इस घड़े की ठीक है दीवारों पे छोटे छोटे छेद हैं और घड़े में भरा हुआ है अंदर बच्चों पानी, ठीक है। तो अब ये जो पानी भरा हुआ है बच्चे, अब गर्मी पड़ रही है, तो जब गर्मी पड़ रही है बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी घड़े के ऊपर भी, ठीक है, कहीं ना कहीं जब गर्मी पड़ रही है, ठीक है, सूर्य के ठीक है जो किरणें हैं उनके द्वारा ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उनके द्वारा जो विकिरण आता है उस विकिरण के कारण जो तापीय ऊर्जा, जो थर्मल एनर्जी बच्चों प्रोड्यूस होती है उसी को हम गर्मी कहते हैं, ठीक है। जो सूर्य का विकिरण है उसके द्वारा ठीक है हमारी धरातल पर जो भी तापीय ऊर्जा सृजित होती है, निर्मित होती है, फॉर्म होती है, उसको हम गर्मी कहते हैं। यही ऊष्मीय ऊर्जा है या यही तापीय ऊर्जा है, तो आप इसको गर्मी कहेंगे, ठीक है। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि इन छिद्र के माध्यम से, ये जो छिद्र है, इस छिद्र के माध्यम से बच्चों पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब ये जो पानी है ये भाप बनने लगता है। और जब पानी भाप बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे उसे ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। जब पानी भाप बनेगा तो उसको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, और ये ऊष्मा कहां से लेगा? जल से लेगा। तो मतलब ठीक है ये जो जल है बच्चों, ठीक है, इस जल से ऊष्मा लेता है, ठीक है, ये जल ठीक है ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेने के बाद बच्चों वो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, उसका वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इसलिए बच्चे जब ये ऊष्मा लेगा अंदर से तो अंदर का टेम्परेचर गिर जाएगा, और जब अंदर का टेम्परेचर गिर जाएगा तो इसमें रखा हुआ पानी जो है ठंडा हो जाएगा। ऐसे बच्चे कूलर, कूलर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलर में बच्चे जो घास होती है वो भी यही, अंदर का जो पानी है बच्चे कूलर के भीतर का पानी, ठीक है, वह पानी क्या होता है बच्चे? वाष्पोत्सर्जित होता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अंदर का जो पानी है बच्चे उसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो उसके लिए ऊष्मा की जरूरत है। ऊष्मा कहां से मिलेगी? ऊष्मा बच्चों वही अंदर के पानी से ली जाएगी, और जब अंदर के पानी से ऊष्मा जाएगी तो बच्चे जो कूलर के भीतर का पानी है ठंडा हो जाएगा। जब कूलर के भीतर का पानी ठंडा हो गया तो वहां का टेम्परेचर गिर गया, और उसी टेम्परेचर से बच्चे आपकी हवा आ रही है, अंदर जहां पर टेम्परेचर कम है वहां से हवा आ रही है, तो अभी सी बात है आपको आती हुई हवा पे ठंडी लगेगी, पहली बात। दूसरा, आप अपने हाथ पे स्प्रिट रखते होगे, जब आप अपने हाथ पे स्प्रिट रखते हो तो जहां पर स्प्रिट रखी आपने या पेट्रोल रखी वहां पे आपको ठंडा ठंडा लगता है, या नेल पॉलिश रिमूवर जो लड़कियां लगाती हैं, जब वे नेल पॉलिश रिमूवर लगाती हैं तो बच्चे वहां पे ठंडा ठंडा लगता है, और थोड़ी देर में वो स्प्रिट या बच्चे वो पेट्रोल उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब आपने स्प्रिट को रखा, ठीक है, तो स्प्रिट क्या है? थोड़ी देर में वाष्पोत्सर्जित हो गई, वे बाष्प बन गई, लेकिन जब वे बाष्प बनी तो उसने ऊष्मा कहां से ली? आपकी हथेली से, और आपकी उसी हथेली से ऊष्मा ली जिस हिस्से पे वो रखी हुई थी, इसलिए आपकी हथेली का वो वाला हिस्सा उसका टेम्परेचर कम हो गया और आपको वहां पे ठंडा ठंडा कुल कुल लगने लगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? बताइए बच्चों, ठीक है, देखो स्विमिंग पूल ये मानव निर्मित है, चिड़ियाघर मानव निर्मित है, बाग भी मानव निर्मित है, लेकिन झील जो है बच्चों ये नेचुरल है। ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है, झील कैसी है बच्चों? झील नेचुरल है। झील नेचुरल है, बहुत अच्छे। अगला, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड। अब बताएंगे कि भैया किस साल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई, कौन सी एक साल है जिस साल ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई? बताइए सब लोग, गलत बता रहे हो बेटा, नहीं 2002 नहीं, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में लॉन्च की गई थी बच्चों। कब? सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ध्यान रखना 2000। अच्छा आप बताइए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे सन 2000 में जब ये योजना लॉन्च की गई थी? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार। कौन? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था बेटा,
बहुत अच्छे। तो उन्हीं का सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्या था बेटा उनका सपना, उनका सपना ये था कि हमारे देश का एक एक गांव जो है वो बच्चे किससे जुड़े, ठीक है, शहर से जुड़े, एक एक गांव, ठीक है, वह मुख्य सड़क से जुड़े, एक एक गांव का, ठीक है, जो बच्चे कनेक्शन हो, जो उसकी कनेक्टिविटी हो वो मेन रोड से हो। तो इसलिए बच्चे गांव में सड़कों को जो अप्लाई किया जाना ये नहीं कर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की, आपको बताना है कि वायंसी जो उत्प्लावन होता है, उत्प्लावन क्या होता है आप जानते होंगे, बताइए उत्प्लावन क्या होता है, ठीक है। तो उत्प्लावन एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का फोर्स है। जब आप किसी भी वस्तु को पानी में डुबोते हो, ठीक है, तो बच्चे उस वस्तु का भार जो है वो नीचे की ओर कार्य करता है और उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बच्चे ये जो उत्प्लावन बल मतलब जो उत्प्लावन के नियम है, इसकी खोज किसने की थी, उत्प्लावन के नियम की खोज, ठीक है, आपने खूब बचपन में पढ़ा होगा एक आर्कमिडीज का सिद्धांत, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी वस्तु को पूर्णतः आंशिक रूप से किसी भी द्रव में डुबोया जाता है, जब आप किसी भी वस्तु को पूरी तरह से आंशिक रूप से जब किसी भी द्रव में डुबोते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो क्या होता है बच्चे, तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है और उस वस्तु के भार में आने वाली जो कमी है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है, उस वस्तु के भार में जो कमी है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो बच्चे ये किसने दिया, आर्कमिडीज ने दिया, आर्कमिडीज ने दिया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, ठीक है, पहली महिला जिम्नास्ट, ठीक है, हालांकि जिम्नास्ट पूछा है, पहली महिला जिम्नास्ट, हालांकि बच्चे, ठीक है, पहली ओलंपियन जो है वो कर्ण मल्लेश्वरी है, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध बच्चों किससे है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है, ध्यान रखना बच्चों, भारोत्तोलन से, ठीक है ना, भारतीय भारोत्तोलक है कर्णम महेश मल्लेश्वरी जी। तो इसमें यह पूछा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट, तो बेटा दीपा कर्माकर, ये, ठीक है, भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम है दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, आप बताइए, तमाशा और मलखम, तमाशा बेसिकली पूरी तरह से महाराष्ट्र का है लेकिन मलखम जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है उड़ीसा का क्या हो जाएगा, छऊ, ठीक है, उड़ीसा का क्या हो जाएगा बेटा, छऊ हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है, छऊ नृत्य उड़ीसा का हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वीरता का दूसरा, तो बच्चे भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत में वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है, दूसरा आपको सर्वोच्च बताना है, सबसे, ठीक है, बड़ा पुरस्कार बच्चे भारत में वीरता का वह परमवीर है, आपको दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है, दूसरा बताइए, आर्मी गर्ल आप तो बताएंगी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे, ठीक है, आप तो बेसिक आपका लगा हुआ है आर्मी गर्ल, तो आपको तो पता होना चाहिए, बिल्कुल आपने सही भी बताया, महावीर चक्र। तो बच्चे पहला परमवीर, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र, तीसरा है बच्चों कौन सा, वीर चक्र, ठीक है, चौथा है आपका शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, ये चौथा है शौर्य चक्र, चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है शौर्य चक्र, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, तो पहला परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर, नहीं नहीं चौथा है आपका कीर्ति चक्र, चौथा कीर्ति चक्र है, सॉरी बेटा, चौथा कीर्ति चक्र है, पांचवा शौर्य चक्र है और छठवां अशोक चक्र है, वीरता का छठवां पुरस्कार अशोक चक्र, छठवां सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, ध्यान रखना। तो सबसे, ठीक है, भारत में जो बच्चे सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता का वह परमवीर चक्र है, फिर दूसरा महावीर, फिर वीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, पांचवां शौर्य चक्र और छठवां अशोक चक्र। हैरी पॉटर एंड द कर्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, बड़ी सुर्खियों में रहती है पुस्तक, और आपने बच्चे बचपन में हैरी पॉटर की सीरीज भी देखी होंगी, वो जो पूरी सीरीज है वो बच्चे इन्हीं के नोवेल पे आपकी फिल्म आई गई है, तो आपको बताना है कि हैरी पॉटर एंड द कर्ड वाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी,
बिल्कुल, किसने लिखी बेटा? जेके रोलिंग ने लिखी, बिल्कुल करेक्ट। जेके रोलिंग ने ही हैरी पॉटर एंड द कर्ड बाइट नामक पुस्तक लिखी। अगला, जनवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कृषि के क्षेत्र में, हालांकि पुराना क्वेश्चन है करंट का बेटा, पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ठीक है आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है, खूब 1 से 1.5-2 साल पुराने क्वेश्चंस पूछ लेती है, ठीक है एसएससी। तो ठीक है आपको बताना है कि किस देश ने हाल ही में कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, बताइए। राहुल गांधी आप भी हैं आप पर तो ठीक है नहीं बेटा, अरे भैया ठीक है ना, उस समय हमारे जो बेहतर संबंध स्थापित हुए वो इजराइल से हुए, ठीक है, और इजराइल से ही बच्चे हमने इस तरह की प्रॉमिस की थी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ ठीक है थल सीमा साझा नहीं करता? अच्छा, अगर हम भारत की बात करें बच्चों, चलिए अगर हम भारत की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो भारत में आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, आपका नागालैंड, आपका मणिपुर, ठीक है, और उसके नीचे आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो है बच्चे ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये बच्चे आपके म्यांमार के साथ सीमा बना रहे होते हैं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि म्यांमार किसके साथ, तो बच्चे म्यांमार भारत के साथ तो बनाता है, म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी बनाता है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि कंबोडिया और लाओस में से म्यांमार किसके साथ नहीं बनाता। बेटा बांग्लादेश के साथ म्यांमार बनाता है, बिल्कुल बनाता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, लेकिन कंबोडिया और लाओस में से, तो बच्चे म्यांमार कंबोडिया के साथ सीमा नहीं बनाता, किसके साथ, कंबोडिया के साथ म्यांमार सीमा नहीं बनाता, बाकी के सभी के साथ सीमा बनाता है, वो लाओस के साथ भी बनाता है, भारत के साथ भी और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये सेट था आपका और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको इस समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको और बहुत बेहतरीन अंदाज में ये आपको पढ़ाया। इसके बाद अब हमारी मुलाकात होगी कल इसी एक शानदार से खूबसूरत से सेट के साथ, फिर हम कल मिलते हैं बच्चों।